दुनिया के साथ मैं हूं एनी जुनेद। पहली नजर हेडलाइंस पर। कराची लियारी एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल सवारों की आईजी जेल खानाजात के स्क्वाड पर फायरिंग। नुसरत मंगन गाड़ी में मौजूद नहीं थे। चीन, जापान और भारत की स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी के असरात। कराची स्टॉक मार्केट में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 33,027 की सतह पर आ गया। जुडिशल कमीशन और ट्रिब्यूनल के फैसलों के बाद इलेक्शन कमीशन के 4 अराकीन का ओहदों पर रहने का कोई जवाज नहीं। बरतरफ किया जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। NA-122 से मुतालिक ट्रिब्यूनल के फैसले की गैर मुसद्दिका कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल। तर्जुमान का कहना है कि मुसद्दिका कॉपी मिलने से पहले अयाज सादी को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। इंतखाबी बेजाबतियां साबित हो गयी। अयाज सादी को तनख्वाहें और मराहत वापस करने का हुक्म दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशें रंग ले आई। MQM हुकूमत से मुजाकिरात पर आमादा। वफद आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। 19 निकात पर बात होगी। वजीर आजम की सदारत में इफाकी काबीना का इजलास। इफाकी वजीर दाखिला की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग। एहतसाब अदालत ने कासिम जिया को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। खुर्शीद शाह, राजा रियाज और शौकत बसरा की शिरकत। कैबिनेट एजेंसी चेक पोस्ट से हमले पर पाक अफगान मुश्तरका इक्तसादी फोरम का इजलास मंसूख। शहीद 4 जवानों की पिशावर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और रशीद गोजेल की सेहत में बतदरीज बेहतरी। हल्की गिजा लेना शुरू कर दी। ICU से वार्ड में शिफ्ट करने का फैसला डॉक्टर्स का पैनल करेगा।